नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कई बार हमारे घर में सब्जी नहीं होती है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, सेव की सब्जी। आइए देखते हैं क्या क्या उसमें सामग्री लगती है। एक आलू, दो प्याज, कड़ी पत्ता, मिर्ची, अदरक और लहसुन, और इसके साथ ही टमाटर दो लिया हुआ है मैंने। हमने कढ़ाई को इंडक्शन पर रख दिया है। अब थोड़ा सा नमकीन जो हमें सब्जी में डालनी है, इस तरह से आप ले सकते हैं, कोई भी नमकीन ले सकते हैं। दो बड़ा चम्मच तेल, और उसी में हम आधा चम्मच जीरा, उसी के साथ ही साथ आधा टीस्पून राई। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से तड़क ना जाए। और इसी के साथ ही साथ मैंने कड़ी पत्ता लिए है, तीन मिर्ची बीच में से कट करके लिया हुआ है। अब सभी को अच्छे से मिलाएंगे और इसमें अदरक, लहसुन को पकाएंगे। पकने के बाद इसमें प्याज मिलाएंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और अच्छे से पक ना जाए। इसी तरह से मिलाते रहेंगे और इसका भी ध्यान रखेंगे कि ये जले नहीं। ये देखिए, हमारा प्याज अच्छे से पक चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसमें हम जो आलू कट करके रखे हैं उसे इसमें मिलाएंगे। आधा चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से मिलाकर, नमक मिलाने से ये फ़ायदा होता है कि सब्जी जल्दी पक जाती है। और इसे अब हम ढाक कर रखेंगे 5 मिनट के लिए, ये पक जाए। और अब चेक करते हैं, ये देखिए अच्छे से मिलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसमें हम दो बड़े कटे हुए टमाटर डालेंगे जो मैंने रफली काटा हुआ था, इसे भी इसमें मिला लेंगे। और अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम ढक कर रखेंगे जिससे ये टमाटर गल जाए, आलू भी पक जाए। ये देखिए टमाटर काफ़ी हद तक गल चुका है, आलू भी काफ़ी पक चुकी है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे आधा टीस्पून, लाल मिर्ची का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला डालकर सभी मसालों को हम इस सब्जी में मिलाएंगे और उसे भी 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे धीमी आंच पे। एक बार चेक करते हैं, ये देखिए तेल सब्जी से अलग हो रहा है, इसका मतलब हमारी सब्जी पक चुकी है। अब इस स्टेज पर एक गिलास पानी, सब्जी में हम पानी हिसाब से डालेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि हम इसमें बाद में सेव मिलाएंगे। आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आप कम पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी रहने से जब सेव डालेंगे तो वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी, सूख नहीं जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। ये सेव मिलाकर हम 5 मिनट पकने देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सेव, और देखिए सेव की भाजी तैयार हो चुकी है। जो देखने में जो भाजी ठंडी होने के बाद और थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, ये हमारा बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी भाजी तैयार है। इसे आप रोटी के साथ, नान के साथ या पाव के साथ खा सकते हैं। अगर आपको इस सब्जी को चावल के साथ खाना है तो इसे थोड़ा पानी ज़्यादा मिलाइए जिससे रसेदार बनेगी। ये देखिए हमारी थाली तो तैयार है, बहुत ही यम्मी लग रही है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप सेव की भाजी कुछ अलग तरीके से बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें
हमें भी कुछ अलग सीखने को मिलेगा आपकी अपनी बजट की रसोई में। मिलते हैं अगले वीडियो।